हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर की डिजाइन बताऊंगी। जैसे इस डिजाइन से आप जेंट्स के स्वेटर पर लेडीज कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर पर आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट पर आप यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई लेडीज जेंट्स का वो नहीं है कि ये जेंट्स पर नहीं अच्छा लगेगा, लेडीज के कार्डिगन स्वेटर पर अच्छा नहीं लगेगा, ये सब पर चलेगा। देखिए कितना सुंदर है ये डिजाइन, और हर एक रो में ये डिजाइन बनेगा। एक रो का ही ये डिजाइन है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये डिजाइन पसंद आया होगा। देखिए, देखने पर तो, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करती हूँ इस डिजाइन को बताना। देखिए, ये सीधे की तरफ है, ये पीछे की तरफ इस तरह दिखेगा, और सीधे की तरफ से इस तरह दिखेगा। तो मैं आज इसी डिजाइन को बताऊंगी कि कैसे इसको बनाएंगे। देखिए, यहां से यहां तक ये 22 फंदा है। मैं इसी में बताऊंगी इस डिजाइन को। देखिए, ये पहला सिलाई है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुन के पूरा रो कंप्लीट करना है। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं स्वेटर का, उसी तरह सेम बनाना है इसको। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुन के ये रो कंप्लीट करेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, ये पूरा रो कंप्लीट हो गया, एक सीधा एक उल्टा बुन के। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर धागे हम अपने तरफ करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये यहां से यहां तक ये 5 फंदा बुन लिए। अब यहां पर देखिए, धागे हम अपने तरफ करेंगे और इन 3 फंदे को हम दूसरे सिलाई पर लेंगे ऐसे, फिर धागे पीछे, अब फिर इन 3 फंदे को हम दूसरी वाली सिलाई पर ले लिए, फिर धागे अपने तरफ, और यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। अब हम 4 फंदा बुन लिए यहाँ से, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा करके। फिर अब यहाँ पर धागे हम अपने तरफ करेंगे और देखिए, इसको 3 फंदे ले लिए इस सिलाई पर, फिर धागे पीछे, और फिर 3 फंदे को हम दूसरी वाली सिलाई पर लेकर धागे को अपने तरफ करेंगे। फिर अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। ये 4 फंदा बुन लिए। बुनने के बाद फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे और 3 फंदे को हम दूसरी वाली सिलाई पर ले लेंगे, फिर धागे हम यहाँ से पीछे करेंगे, फिर इन 3 फंदे को दूसरी वाली सिलाई पर लेकर फिर धागे हम इस तरह घुमाएंगे अपने तरफ, और फिर यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। बुनने के बाद फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे और इसको देखिए इस तरह बुनेंगे, फिर धागे पीछे। अब ये 3 फंदा इस सिलाई पर लेकर फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर धागे हम अपने तरफ, और यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर एक फंदा कम हो गया है, यहाँ उल्टा आना चाहिए, तो एक फंदा के कम की वजह से नहीं आया, इधर आ गया है एक फंदा।
तो जैसे इधर है दोनों साइड में, तो अब स्वेटर पर निकालिएगा तो एक फंदा इधर उल्टा होना चाहिए, एक फंदा इधर उल्टा होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि दो फंदा छोड़ने के बाद दोनों साइड में हम इस डिजाइन को निकालेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पर, अब ये सारे रो हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस तरह सारे फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए सारे फंदे उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। अब इन दोनों डिजाइन के बीच में ये निकलेगा, अब यहाँ से यहाँ तक ये निकलेगा डिजाइन इन दोनों के बीच में। तो बीच में ये देखिए धागा ये अपने तरफ, और ये तीन फंदा हम ले लिए दूसरे सिलाई पर, फिर धागे पीछे। अब इन तीन फंदे को हम दूसरी सिलाई पर लेंगे, फिर धागे अपने तरफ, और अब यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चार फंदा बुन लिए। बुनने के बाद ये फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे, और इसको देखिए फिर धागे पीछे करेंगे तीन फंदा लेकर इस सिलाई पर, फिर इन तीन फंदे को हम दूसरी सिलाई पर ले लेंगे, और फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब फिर यहाँ पर हम चार फंदा बुन लिए उल्टा सीधा, फिर देखिए धागे अपने तरफ, और इसको ज़्यादा ये धागा जो है इसको जो हम टाइट ज़्यादा नहीं खींचेंगे, और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम ठीक ठीक से रखेंगे इसको, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये खींच जाएगा। तो ये देखिए फिर धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब फिर यहां पर हम धागे अपने तरफ करेंगे, इस तरीके से। फिर देखिए धागे पीछे, और ये तीन फंदा हम ले लिए, फिर धागे अपने तरफ, और फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह हम बुन के कंप्लीट कर लिए। देखिए अब इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में ये डिजाइन आ गया, इसके और इसके बीच में आ गया, इस तरह से बनेगा। अब फिर हम पीछे के रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये हर एक रो में ये डिजाइन बनता है सीधे की तरफ से, जब भी हम जाएंगे इस डिजाइन को निकालेंगे पीछे की तरफ से, ये हर रो उल्टा बुन के पूरा हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुनना है इसमें पीछे के रो में। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ देखिए, अब यहां पर हम इस डिजाइन को निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे इस तरीके से। देखिए एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे, और यहाँ पर देखिए इन तीन फंदे को लेकर हम दूसरी वाली सिलाई पर ले लिए, फिर धागे पीछे करेंगे, और फिर इन तीन फंदे को दूसरे सिलाई पर लेकर। बहुत ही आसान है ये डिजाइन, देखिए कैसे बन रहा है जल्दी जल्दी। ये देखिए फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा,
एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, और ये तीन फंदे को लेकर हम एक करेंगे और धागे पीछे। फिर देखिए इसको इस तरह ले लिए दूसरी सिलाई पर। अब देखिए इस तरीके से निकल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये डिजाइन। अब फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, एक फंदा उसी तरह रिपीट करना है। अब ये देखिए ये चार फंदा हम सीधा उल्टा बुन लिए, फिर धागे हम अपने तरफ करेंगे और इन तीन फंदे को लेकर हम इस सिलाई पर ले लिए, और फिर धागे पीछे। अब इन तीन फंदे को लेकर हम दूसरी सिलाई पर ले लेंगे, फिर धागे अपने तरफ। ये देखिए फिर ये चार फंदा हम बुन लिए सीधा उल्टा, फिर धागे अपने तरफ। इसी तरह रिपीट करने करते हुए जाना है, ये डिजाइन अपने आप निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरीके से बनी गई है। तो ये देखिए बनके इस तरह दिखेगा, कितना सुंदर दिख रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये डिजाइन पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये डिजाइन। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी वीडियो देखते रहें, और व्यस्त भी रहना जरूरी है। तो फिर मिलती हूँ मैं कुछ नए डिजाइन लेकर आप सबके साथ।